ये स्टूडेंट्स असलम टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ डिफरेंट नंबरिंग सीरीज ऑफ इन वॉइस फॉर आर कस्टमर्स वाई डू वी नीड डिफरेंट इन वॉइस नंबरिंग सीरीज लेट मी एलेबरेट बाद दफ़ा ये होता है कि हमारे पास मुख्तलफ नोयत की आइटम्स या सर्विस होती हैं जो हम अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को सेल करते हैं और बज़ दफ़ा हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स या कस्टमर्स भी होते हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं हो सकता है कि हम कोई चीज़ होल में एक ख़ास रेट पर बेचें और रिटेल पे उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाए और यही तरीक़ेकार हमारा कमर्शियल में और रिटेल में फ़र्क ज़ाहिर करता है आम तौर पर होल सेल पर रेट कम होता है और रिटेल पे ज़्यादा होता है इसीलिए रेजिडेंशियल या इंडिविजुअल कस्टमर्स को जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसका रेट फ़र्क होता है और जब हम कमर्शियल बेसिस पे बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ बेचते हैं तो उसका रेट कम होता है और हम बार दफ़ा ये ट्रैक भी रखना चाहते हैं कि अगर हम एक ख़ास टाइप के कस्टमर्स को कोई चीज़ बेचें तो हमारी सेल कितनी हुई और अगर हम दूसरी टाइप के कस्टमर्स को चीज़ें बेचीं तो उसकी सेल कितनी हुई अगर हमने सारी सेल एक जगह ही बुक कर ली एक जगह ही रिकॉर्ड कर ली तो हमें बाद दफा ये हैरानी होती है कि हमने एक प्राइस रखी थी एक क्वांटिटी रखी थी कि हम इस प्राइस पे ये वाला आइटम बेचेंगे लेकिन जब हमारे पास सेल्स की फिगर सामने आई है तो हमें यह हैरत हो रही है कि हमने जब हम क्वांटिटीज को अपनी रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो अमाउंट नहीं आ रही जिसकी हमने सेल कर दी है रीज़न बीइंग कि हमने वो प्राइस हो सकता है कि आपने रिटेल कस्टमर्स वाली प्राइस अपने सिस्टम में डाल दी हो और जब हमने होल को या किसी को डिस्काउंटेड प्राइस पे वो चीज़ बेची तो उसकी वजह से ओवरऑल सेल की फिगर थोड़ी सी कम हो गई लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किस टाइप के कस्टमर्स को किस तरीके से डील करेंगे उसको हम किस टाइप की प्राइस देंगे किस टाइप की प्रेफरेंस देंगे और उसी तरीके से हम ये सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड में भी रखना चाहेंगे अगर आपको याद हो कि हम जब अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे थे तो हमने उसे सारी इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग की जो हम स्टोर करने की जगह जो दी थी वो थी हमारे अकाउंटिंग नंबर्स या ऑफ अकाउंट अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में आपकी ये प्रोविज़न मौजूद है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तो बसानी आप ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि हमारी सेल एक टाइप की कैसी हुई है और हमारी सेल दूसरी टाइप की कैसी हुई है ये तमाम चीज़ें आपके बिज़नेस की नौीयत पे मुनसर है लेकिन क्विक बुक्स आपको ये सहूलत फ़राम करता है कि आप अपना चार्ट अकाउंट इस तरीके से सेट से कर लें कि आपकी तमाम टाइप ऑफ सेल्स उसमें रिफ्लेक्ट हो आपको नज़र आए और आप उसके अकाउंटिंग सही तरीके से कर सकें आइए देखते हैं कि क्विक बुक्स में अगर हम डिफरेंट नंबरिंग सीरीज से ये चीज़ कंट्रोल कर लें मेरा मतलब ये है कि कमर्शियल बेसिस पे, होलसेल बेसिस पे अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी इनवॉइसिंग के नंबर फ़र्क कर लें और अगर हम रिटेल में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हम उसके नंबर नंबरिंग सीरीज पूरी अलहदा कर लें इससे ये होगा कि हमें एक वक्त में देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कितनी इन्वास कमर्शियल या होल सेल गई हैं और कितनी इन्वाइस रिटेल पर गई हैं और इसकी अमाउंट और क्वान्टिटीज़ कितनी हैं आइए क्विक बुक्स की तरफ चलते हैं अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे मुख्तलफ़ टाइप के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट करें और उनको हम डिफरेंट इन्वाइसिंग सीरीज से डिफरेंशिएट करें और हमारे पास जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो भी डिफरेंट अकाउंटिंग और इन्वाइसिंग नंबरिंग के बेस पे सेव हो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का पता चल जाएगा अगर हम तमाम सेल्स थ्रू अ सिंगल इन्वाइस नंबर करना करने लगते तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि हमारी की या जो हमारी होल सेल है वो कौन सी है और जो हमारी पर्टिकुलर रिटेल सेल है वो कौन सी है आइए सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे एक बैलेंस शीट देखते हैं अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट हमारे सामने है और बैलेंस शीट में हमारे पास तमाम डिटेल्स जो हमारी कंपनी की है वो हमें रिफ्लेक्ट हो रही है जो भी पैसे हमने अपने कस्टमर या क्लाइंट से लेने होते हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं अगेंस्ट द हेड अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल आपको जैसे पहले मैंने बताया हुआ है कि वो अकाउंट है जिसमें हमारी तमाम इन्वाइसिस की फिगर्स जाती हैं ये वो अमाउंट है जो हमने अपने कस्टमर्स या क्लाइंट से क्लेम करने और इनकी डिटेल देखने के लिए क्योंकि ये ड्रिल डाउन की फैसिलिटी देता है बुक्स बहुत अच्छी ऑल यू हैव टू टू डू इज ब्रिंग योर कर्सर ओवर द फिगर और ये आपको जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास नजर आ रहा है आप इसे क्लिक करें और हमें पूरी इन्वासेस और पेमेंट्स का शेड्यूल क्लियरली नजर आना लग जाएगा जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी की सारी आपके सामने खुल जाएंगी तो ये बड़ा सिंपल तरीका है हमारे सिस्टम का कि हम ड्रिल डाउन एज एंड वेन रिक्वायर्ड कर सकते हैं हमें चाहिए ये था कि हम अकाउंट रिसीवेबल में दो टाइप ऑफ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंशियट करें दो टाइप की सेल्स को डिफरेंशिएट करें एक सेल है जो हमारी होल सेल सेल हो रही है और दूसरी हमारी वो सेल है जो रिटेल सेल हो रही है इनको डिफरेंशिएट हम अकाउंट रिसीवेबल में करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किस तरह वो इस तरह से करेंगे कि दोनों सेल्स के लिए अलग-अलग नंबर्ड सीरीज ऑफ इन्वाइस इस्तेमाल करेंगे पहली केस में हमारी नंबरिंग फ़र्क होगी और दूसरे केस में हमारी इनवॉइसिंग की नंबरिंग फ़र्क होगी जब भी आप इन्वाइस फॉर होल या कमर्शियल कस्टमर्स उठाएंगे उनकी नंबरिंग फ़र्क होगी और उस पूरी के ऊपर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि हमने कमर्शियल को या होल सेल में कितनी सेल की जब आप रिटेल की कॉपी उठाएंगे उसकी नंबरिंग सीरीज अलग होगी और आपको वो देखते के साथ ही ये पता चल जाएगा कि हमारी रिटेल की सेल कितनी हुई लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ें जमा होकर अकाउंट रिसीवेबल में आती हैं तो हमें अकाउंट रिसीवेबल में या हमारे चार्ट अकाउंट में थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ेगी ताकि हमें ये दोनों टाइप ऑफ सेल्स अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकें तो हमें सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में थोड़ी सी तब्दीली करनी है अमेंडमेंट करनी है ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके याद रहे कि क्विक बुक्स हमें हर तरीके की सहूलत एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे देता है जितनी तब्दीली जितनी इन्हांसमेंट जितनी चेंजेस चाहें हम खुद करेंगे बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट एंड आर बिजनेस नीड्स सो इन दिस केस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली वन हैड फॉर अकाउंट रिसीवेबल वी आर गोइंग टू हैव टू हेड्स वन फॉर कमर्शियल क्लाइंट्स एंड द नेक्स्ट वन फॉर रेजिडेंशियल क्लाइंट ठीक है जी आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जा सकता है आप अपने होम पेज पर पे आए और क्योंकि हमने ये चेंज जो करना है ये करना है हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में तो आपको जैसे पता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से एक तो ये है कि कंपनी हेड के अंदर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट नजर आ रहा है आप इसे क्लिक करें और सीधा चार्ट ऑफ अकाउंट में चला जाए और दूसरा जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट की शक्ल में होती है इसलिए आप लिस्ट में जाएँ और चार्ट ऑफ अकाउंट को क्लिक कर दें यहाँ हमारे पास तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट में जो हेड्स हैं वो हमें नज़र आ जाएंगे लेकिन आप एक चीज़ ये नोट करें कि अकाउंट रिसीवेबल फ़िलहाल हमारे पास एक है हमने करना क्या है हमने करना ये है कि अकाउंट रिसीवेबल हमने दो टाइप के बनाने हैं वन फॉर कमर्शियल क्लाइंट्स एंड अदर फॉर रेजिडेंशल क्लाइंट्स क्योंकि हम ये तब्दीली आज कर रहे हैं इसलिए याद रहे कि पुराने सारे डेटा सारी इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग हेड है जो इस एग्जिस्टिंग चार्ट अकाउंट में हमारे पास हैड मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल ये उसमें ही रहेगा लेकिन आज के बाद से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पुराने डेटा को हम बैठे बैठे जाके चेंज नहीं कर सकते लेकिन आइंदा आने वाले डेटे को हम एज पर रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो हम ये करते हैं कि यह जो एक कोड हमारे पास मौजूद है हेड मौजूद है इसको हम कर देते हैं कमर्शियल क्लाइंट या कमर्शियल अकाउंट्स रिसीवेबल और हम एक नया हेड खोल लेते हैं फॉर रेजिडेंशियल क्लाइंट्स और उसको कहते हैं रेजिडेंशियल अकाउंट रिसीवेबल याद रहे अगर आपने चार्ट अकाउंट्स के बारे में मेरा लेक्चर सुना हुआ है हमने याद रखना है कि इसका जो नंबरिंग सीरीज है वो हमेशा सही रहे इसमें जो हमारी नंबरिंग सीरीज है वो है ग्यारह हजार की इसका मतलब है कि हमारे दोनों अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट्स ग्यारह हजार सीरीज के अंदर आने चाहिए ओके नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू एडिट दिस अकाउंट और एडिट करके हम जो काम करने लगे हैं इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल से कमर्शियल अकाउंट रिसीवेबल और डिस्क्रिप्शन भी हम चेंज कर रहे हैं इसके अकाउंट रिसीवेबल से कमर्शियल अकाउंट्स रिसीवेबल हमने इसमें कोई और तब्दीली नहीं की सिर्फ इसका नाम चेंज किया है एडिट करके याद रखिएगा इसको हम करते हैं सेव एन क्लोज और आप देख सकते हैं कि आप ग्यारह हजार का जो नंबर है उसके आगे जो नाम आ रहा है वो है कमर्शियल अकाउंट रिसीवेबल और इस वक्त जितनी ट्रांजेक्शन अकाउंट रिसीवेबल में हुई होंगी वो तमाम की तमाम इस हेड के अंदर अब रिफ्लेक्ट होगी लेकिन अब हमने एक नया अकाउंट खोलना है जिसके साथ हम एक नई नंबरिंग सीरीज अटैच करना चाह रहे हैं और नया अकाउंट खोलने का तरीका आपको पहले ही पता है अकाउंट में जाएं न्यू करें सेलेक्ट करें अकाउंट रिसीवेबल को और हमारे पास एक नया अकाउंट खोलने की प्रोविजन आ जाएगी आपको दोबारा से याद करा रहा हूं कि अकाउंट रिसीवेबल सीरीज इज फाउंड अंडर द हेड नंबरिंग हेड इलेवन थाउजेंड तो हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए इसकी सीरीज फॉलो करनी है और इसका नंबर देना है ग्यारह या कोई भी नंबर ग्यारह सीरीज के अंदर ये जो हम हेड खोलने जा रहे हैं ये है रेजिडेंशियल अकाउंट्स रिसीवेबल और यही इसकी डिस्क्रिप्शन भी है अब हमारे पास जैसी मैं सेव एंड क्लोज करूंगा हमारे पास अब दो टाइप ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएंगे जो कि आपको क्लियरली अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं एक है कमर्शियल अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा है रेजिडेंशियल अकाउंट्स रिसीवेबल अब हम देखते हैं कि इसके साथ हम ज्वाइन करके किस तरीके से डिफरेंट नंबरिंग सीरीज ऑफ इन वॉइसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं हमने पहला पार्ट कर लिया है हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है टू टाइप ऑफ सेल्स टू टाइप ऑफ बिजनेस विद मेन स्ट्रीम अब जब हम क्रिएट इन वॉइस करेंगे आपको एक नई ऊपर डाउन नज़र आ रहा है और वो कह रहा है ये बताइए कि ये किस टाइप का अकाउंट्स रिसीवेबल है जिसपे आप काम करना चाह रहे हैं सबसे पहले हम अपना कस्टमर चूज करते हैं और इस वक्त कमर्शियल अकाउंट रिसीवेबल अगर आपको याद हो ये हमारी ओरिजिनल अकाउंट रिसीवेबल है हमने जो नया क्रिएट किया है उसका नाम है रेजिडेंशियल अकाउंट्स रिसीवेबल इसका इनवॉइस नंबर बाय डिफ़ॉल्ट वन आ रहा है लेकिन क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम नई नंबरिंग सीरीज शुरू कर सकते हैं अपनी पसंद की नंबरिंग सीरीज शुरू कर सकते हैं हम कर सकते हैं और उसको हम नंबर दे रहे हैं सबसे पहला वन हंड्रेड आर आर हम पहले भी लगा सकते हैं आर हम बाद में भी लगा सकते हैं यह आप पे मुनसर है लेकिन आर हम लगा रहे हैं ताकि हमारी ये नंबरिंग सीरीज डिफ्रेंश हो जाए फ्रॉम कमर्शल इन्वासेस जो कमर्शल इन्वासेस होंगी उसे हम चाहें तो सी के साथ डिनोट कर लें लेकिन रेजिडेंशियल हमारी इनवाइस अब आर के साथ डिनोट की जाएंगी और क्योंकि ये पहली है तो ये होगी वन आर आइए अब हम इसमें आइटम्स डालते हैं और देखते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन हमारे मेन रिपोर्ट्स में होती है तो किस तरीके से होती है हमने इधर कैबिनेट पुल डाले और डोर फ्रेम्स डालें और इंस्टॉलेशन की सर्विसेज हमने डाली है अब हमारी ये इन्वाइस पहली इन्वाइस बनी है फॉर अ रेजिडेंशियल कस्टमर और जस्ट टू टेस्ट हम इसे सेव एंड क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अब हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये बैलेंस शीट में देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स के बाद आप चूज करें कंपनी एंड फाइनेंशियल और फाइनली बैलेंस बैलेंस शीट स्टैंडर्ड जैसे ही हमने शीट स्टैंडर्ड को क्लिक किया यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज कि अब हमारे पास दो टाइप ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है जिनमें से एक कमर्शियल है और एक रेजिडेंशियल है याद रहे कि कमर्शियल वो है जिसमें पहले से जितनी अकाउंटिंग हो रही थी सारी रिकॉर्डिंग इसके अंडर हो रही थी हमने इसका सिर्फ नाम चेंज किया था जो हमने नया क्रिएट किया है नंबर के साथ वो है रेजिडेंशियल अकाउंट रिसीवेबल इसमें ये अमाउंट आई हुई है और मैंने आपसे कहा था ड्रिल डाउन के लिए ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक इसे हमने क्लिक किया और ये हमें वो इन्वास भी दिखा रहा है वन आर और उसमें दी गई अमाउंट्स भी दिखा रहा है अब हमें अपनी इनवाइसें भी नज़र आ गई हैं और उसका इम्पैक्ट भी नज़र आ गया है अपनी मेन बैलेंस शीट के ऊपर जैसे ही हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट रिसिवेबल को दो में तोड़ा और इन की नंबरिंग फ़र्क की हमारे पास अकाउंट रिसिवेबल मजीद डिटेल्ड हो गया है एज पर आर रिक्वायरमेंट हमारी जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों अलीह ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो अकाउंट्स अलीहदाला रिकॉर्ड हो और वो अब हो रहा है आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं और अपनी इन के तरीक़ार में भी देख सकते हैं तो हमारा बेसिक काम मल्टीपल इनवॉइसिंग सीरीज चलाने का आपने देखा कि कंप्लीट हो गया। इन कंक्लूजन हमें अब पता चल गया है कि हमारे चार्ट अकाउंट में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से कवर कर सकता है हम उसमें एज़ पर आर बिजनेस रिक्वायरमेंट जो एडिशन करना चाहें वो कर सकते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं डिफरेंट इन्वाइसिंग सीरीज बना के हम मल्टीपल इन्वासिंग सीरीज बना सकते हैं अपने सेल्स से मुताबत रखते हुए हो सकता है कि डिफरेंट आइटम्स की हम सेल्स अलहदा आलहदा रिकॉर्ड करना चाहें डिफरेंट टाइप की हम सेल्स अलहदा रिकॉर्ड करना चाहें जो भी हमारा मकसद हो हम तमाम चीज़ें क्विक बुक्स में बासानी कर सकते हैं प्रोवाइड वी नो वॉट इज़ रिक्वायर्ड जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है हम समझें और फिर उसको हम अपने पास क्विक बुक्स में इम्प्लीमेंट करें और वो हमें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट देने के लिए हमेशा तैयार है जो कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं थैंक यू सो मच